जय हिंद डियर स्टूडेंट, जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज यूनिफॉर्म कंडक्टिंग स्फीयर। अब अगर अपने पास कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसका सारा अजम्पशन पहले हमें पता होना चाहिए। तो कंसीडर कर लेते हैं कि एक अपने पास चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो लेट अस कंसीडर कि दिस इज द चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ये चार्ज है ये, और ये कंडक्टिंग स्फीयर हम बना दे रहे हैं, दिस इज द कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है और जिसका सेंटर जो है वो ओ है, और रेडियस इसकी कितनी है, स्मॉल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, और इस पर जो गिवन चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, ये हमने मान लिया। अच्छा, हमने आपको बताया कि ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर की कंडीशन होती है कि चार्ज जो रिसाइड करते हैं, यानी कि मैं लिख देता हूँ कि चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस कहाँ पर रिसाइड करेंगे, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर रिसाइड करेंगे। तो ये चार्ज, याद रखना, कंडक्टर के सरफेस पर रिसाइड करने वाले हैं। तो अगर मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी ड्यू टू दिस स्फेरिकल चार्ज, तो हम ऐसा मान कर चलते हैं कि इस चार्ज को जितने भी, इस कंडक्टर को जितने भी चार्ज दिए गए होंगे वो सडन क्यू चार्ज नहीं दिया गया होगा, डी क्यू ऐसे कुछ धीरे धीरे करके चार्ज दिया होगा। पहले एक चार्ज आया होगा, फिर दो चार्ज, फिर तीन चार्ज, चार चार्ज, चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसे आखिर क्यू चार्ज बन गया होगा। तो हम इतना तो जान ही गए हैं कि वी एज्यूम दैट द चार्ज इज गिवन इन स्मॉल स्टेप। स्मॉल स्टेप का मतलब छोटे छोटे स्टेप में इसको चार्ज दिया गया है, पूरा अचानक से चार्ज नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जब अगर स्मॉल स्टेप में चार्ज दिया गया होगा तो सबसे पहले जो चार्ज दिया गया होगा क्यू, फिर क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, ऐसे दिया गया होगा। तो हम ये मानकर चलते हैं कि व्हेन चार्ज ऑन द कंडक्टर इज क्यू, द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर फिर क्या होगा, जब क्यू चार्ज देंगे तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर जो होगा वो V इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन स्मॉल r, ये हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पर ही रहेगा, अंदर तो जाएगा नहीं, तो ये स्मॉल r ही लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर इतना इसका पोटेंशियल है तो हरदम क्यू चार्ज इसको ऐसे दे रहे हो, तो फिर आप देख लो कि इंक्रीज कितना हो रहा है इसका चार्ज, इस कंडक्टर का चार्ज इंक्रीज कितना हो रहा है। तो हम नाउ इन इंक्रीजिंग द चार्ज देख लेते हैं, तो चार्ज कितना इंक्रीज हो रहा है, तो वो फ्रॉम क्यू से कितना हो रहा है, क्यू प्लस डी क्यू चार्ज इंक्रीज हो रहा है। देन वर्क डन क्या हो जाएगा, हमको क्योंकि कैलकुलेट तो करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हम तो इतना जानते ही हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि उस पर जो किया गया वर्क होता है वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम वर्क कैलकुलेट कर लें, वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि देन द वर्क डन इन गिविंग द चार्ज डी क्यू। तो अब हम वर्क डन कैलकुलेट करें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इन टू डी क्यू, और वी हमें मालूम है 1/4πε0 क्यू इन टू आर और इन टू डी वी, ये डी क्यू होगा, डी क्यू ये क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। अब टोटल वर्क डन कैलकुलेट करो, टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज, और टोटल आपको चार्ज कितना देना है इस पर, क्यू चार्ज देना है। तो चार्ज फ्रॉम जीरो टू क्यू, शुरुआत में तो जीरो चार्ज रहा होगा, क्यू चार्ज तो आपने इसको देकर चार्ज कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा W इज इक्वल टू जीरो से W, जीरो से हमको क्या करना है, क्यू चार्ज देना है डी डब्ल्यू तक। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, जीरो से क्यू चार्ज देना है और डी डब्ल्यू की वैल्यू ये है 1/4πε0 और क्यू अपान आर इंटू डी क्यू, ये हमको मालूम हो गया है। तो W इज इक्वल टू 1/4πε0 और 1/r भी बाहर आ जाएगा और q इंटू डी क्यू, जीरो से q चार्ज हमको देना है। तो W इज इक्वल टू 1/4πε0 1/r और ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई टू और जीरो से q, W इज इक्वल टू 1/4πε0 और q स्क्वायर अपॉन 2r। दिस इज द वर्क डन एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर ये वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फेरिकल सेल में, अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर सेल नहीं कंडक्टर तो में स्टोर हो रहा है, तो W ये U के बराबर हो जाएगा। U इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q स्क्वायर अपॉन 2R, यही फार्मूला हो जाएगा बेटा। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर।